हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए एक और रेसिपी हम आपके लिए लेके आ गए हैं। तो देखिए ये क्या बन रहा है, पहले सारे प्रिपरेशन देख लीजिए। और ये हम बना रहे हैं आज मिक्स वेज। मिक्स वेज के लिए हमने सारे सब्जी लिए थे। और ये देखिए, पहले हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और कुछ गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जब ये पेस्ट तैयार कर लेंगे इसको, और साइड में इसको रख देंगे। इसमें देखिए हमने जीरा डाल दिया, गोलमरीच पहले डाल दिया था, और जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले। आपके पास मिक्स हो तो आप मिक्स गरम मसाला डाल सकते हैं। मेरे पास ये अलग अलग था तो हमने उसको डाल दिया है। सारे चीज़ को डाल के और एक साइड करके रख लेंगे। और उधर देखिए हमने सारे सब्जी को अच्छे से कट कर लिया है। इसमें गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, आलू है, प्याज है, मटर है। सारे सब्जी को हमने मीडियम साइज का काट लिया है, थोड़ा सा छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब इस गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया और इस पे हमने तेल डाल दिया। रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल इसमें मैंने यूज नहीं किया, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे हाफ स्पून कॉमिन सीड। कॉमिन सीड डालने के बाद अब ये जब ये तड़क जाए तब इसमें हम सारे धीरे धीरे सब्जी डाल देंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे हम, और प्याज को डाल के थोड़ा सा सोटे होने देंगे। तब धीरे धीरे सारे जो सब्जी हमने कट करके रखा है वो सब डाल देंगे। फ्रेंड, इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको क्या क्या रेसिपी चाहिए या क्या क्या सब्जी अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई करूँगी। और ये देखिए हमने सारे सब्जी को एक साथ डाल दिया है, और बस इसे हल्का हम भूनेंगे। सारा सब्जी जब डाल दिए तो थोड़ा सा हल्का भूनने के बाद हम इसमें मटर डालेंगे, क्योंकि मटर जल्दी ये हो जाता है। थोड़ा सा ये सब्जी सॉटे हो गया, हो चुका है। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बने, पर अलग अलग तरीके से सब्जी हम बनाते हैं। इसको मिक्स वेज बहुत तरह से, इसमें आप पनीर, मशरूम, बीन्स, बहुत सी सब्जी डाल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये भून चुका है, तब इसमें हम मटर डाल लेंगे। और इसको भी मटर, ये थोड़ा हमको ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा मटर कम कर दूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटर था तो ये ठीक है इतना मटर डाल के। और इसको भी थोड़ा सा हल्का हम भुनेंगे, थोड़ा देर के लिए ढक देंगे मीडियम आंच पे, मतलब 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक के और पकाएंगे। थोड़ा जब ये पक जाए तब ये देखिए थोड़ा सा भुन गया है हल्का, तब इसमें हम सारे मसाले को डालेंगे। अब चलते हैं मसाला डालने। जो हमने ये पेस्ट तैयार करके रखा था उसको हमने डाल लिया, जो अदरक, लहसुन और ये मिर्चा और टमाटर का जो, और टमाटर प्याज, टमाटर का जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो गरम मसाला का, उसको हमने इसमें डाल दिया। अब इसके साथ हम मसाला डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ स्पून, और इसके साथ ही धनिया पाउडर हाफ स्पून, हाफ स्पून मिर्चा पाउडर, और सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट टेस्ट के अनुसार डाल देंगे। सॉल्ट भी डालने के बाद ये हम ये मसाले देखिए हमने इसमें लिया है कश्मीरी रेड चिली हाफ स्पून का, हाफ स्पून मैंने मिर्ची पाउडर और हाफ स्पून कश्मीरी रेड चिली। ये जीरा पाउडर, ये भी हाफ स्पून हम जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इस थोड़ा सा इसको मसाले को आँच को करेंगे कम, और मसाले को धीरे धीरे भूनेंगे। मेरे पास है किचन किंग मसाला, और इसको भी मैंने ये देखिए हाफ स्पून के करीब में, हाफ स्पून के करीब में इसको भी डाल लिया। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, उससे मतलब सब्जी का टेस्ट एकदम दुगुना हो जाता है। आपने देखा होगा पहले मैंने साइड में रखा था, इसमें क्या है, ये मलाई, मलाई जी हाँ, इसमें डल जाएगा मलाई। मैंने वो सॉल्ट मैंने उस समय नहीं डाला था, तो अब सॉल्ट डाल देती हूँ, क्योंकि पहले सॉल्ट डाल देने पर पूरी सब्ज़ी एकदम
गल जाती, तो हमने नहीं डाला था। और मलाई जो हमने लिया है, मलाई कम करीब करीब 150-200 ग्राम है, और उसको हमने अच्छे से फेंट के साइड में रखा हुआ है। और ये जब मसाले जब हमारे थोड़े पक जाएंगे, जब सब्जी भी थोड़ा पक जाएगा इसके साथ, पहले इसको हम थोड़ा सा ढक के, पहले थोड़ा देर के लिए 2 मिनट, हाँ 2 मिनट के लिए पका लिए। 2 मिनट पकने के बाद ये देखिए सब्जी अब लमसम मतलब पक चुका है सब्जी अपना, हाँ सब्जी पक चुका है लमसम लमसम। तो इसमें हम जो मलाई तैयार करके करीब करीब 150-200 ग्राम है मलाई, तो इसको हम डाल देंगे इसमें। आप मलाई की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 100-150 ग्राम तो इसमें जाएगा ही, उससे कम नहीं। इससे एकदम टेस्ट, एकदम इस सब्जी का एकदम टेस्ट एकदम लाजवाब हो जाता है, क्या बताएं, एकदम माउथ वाटरिंग एकदम सब्जी हो जाता है। इसी के साथ हम इसमें पानी भी डाल देंगे, जिसमें हमने मलाई फेंट के रखा हुआ था उसी से हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के और इसको सब्जी को अच्छे से मिला देंगे। जब सब्जी अच्छे से मिल जाए तब हम इसको ढक के अब 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट ढक के हम इसको पकाएंगे सब्जी को। ये हमारा पानी हो गया, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा, क्योंकि सब्जी हमारी पक चुकी है और ग्रेवी वाला ज़्यादा नहीं बना, हल्का ग्रेवी ही रहना चाहिए। तो ये देखिए सब 4 मिनट हो चुके हैं और सब्जी लमसम हमारा तैयार हो चुका है। एक बार थोड़ा सा और अभी ये पकेगा और ये सब्जी हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और ढक के, थोड़ा अब एकदम कम मीडियम आँच पे, एकदम तो लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। और ये देखिए सब्जी को हमने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया, एकदम टेस्टी सब्जी बनी है। थैंक यू, बाय।